हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में आने वाले समय में 13 जून से लेके 20 अगस्त ये जो समय है इसमें आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है, परंतु इसका लाभ किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इसके पीछे क्या गृहस्थी है, क्या कारण है, ये भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आपको लाभ क्या मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति, आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, वहाँ सफलताएँ नहीं मिल रही थी, तो अब सफलताएँ मिलने की संभावनाएँ बढ़ जाएंगी। आप कोई कंपटीशन में हैं तो वहाँ आपको लाभ मिल सकता है। आप कोई खेल कूद के क्षेत्र में हैं, खेलते हैं, कूदते हैं या कोचिंग देते हैं, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा आप यात्रा करने का यदि शौक रखते हैं तो यात्रा करने का मौका मिल सकता है, और संभव है कि लंबी यात्रा करने का भी मौका मिले, यानी कि लंबी यात्रा में विशेष रूप से विदेश यात्रा को जोड़ा जाता है, तो आपको यात्रा का मौका मिलेगा। साथ में आप अपने जीवन में यदि महसूस कर रहे थे कि मैं कोशिश तो सोचता तो हूँ कि मैं कुछ करूँ, परंतु आलस की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, आज जो है तो कर लेता हूँ, फिर आएगा कि नहीं कल कर लेता हूँ, फिर परसों कर लेता हूँ, ऐसे करके महीनों वर्षों बीत गए परंतु काम नहीं हो पा रहा है, यानी कि आलस जीवन में किसी भी तरह बना हुआ है। तो इस समय अब आपके अंदर एनर्जी की वृद्धि होगी और बड़े स्पीड के साथ अपने कार्यों को, कर्मों को आप कर सकेंगे, जिससे आपको सफलताएं प्राप्त हो सकेंगी। छोटे भाई बंधुओं के साथ यदि वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी उसमें अब जो है तो ये वाद विवाद की स्थिति कोई भी हो सकती है और कोई भी कारण हो सकता है, और यदि आप चाहते हैं कि नहीं ये वाद विवाद दूर हो जाए तो इस समय मौका है, आप प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जीवन में यदि चाहते थे कि मैं संघर्ष तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ परंतु उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपके मेहनत का, आपके संघर्ष का इसमें लाभ भी मिल सकता है। तो देखा जाए तो ये और बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर किसको लाभ मिलेगा और क्या कारण है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 मई को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और ये वृषभ राशि शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु 7 मई को अस्त हुए, फिर 1 जून को उदय हुए और 13 जून को ये अब चंद्रमा के नक्षत्र यानी कि रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे और 20 अगस्त तक यहाँ गोचर करेंगे। लाभ किसको मिलेगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और देव गुरु बृहस्पति की युति है या दृष्टि संबंध है, या चंद्रमा देव गुरु बृहस्पति मजबूत अवस्था में है, या देव गुरु बृहस्पति चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, या महादशा में देव गुरु बृहस्पति अंतर्दशा में चंद्रमा, या चंद्रमा महादशा में है और अंतर्दशा में देव गुरु बृहस्पति हैं, तो इन स्थितियों में आपको लाभ मिल सकता है। तो जरूर अपनी जन्म कुंडली को चेक करिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप अपनी कुंडली को चेक करने के बाद या विश्लेषण करवाने के बाद जो उपाय हों उसके अनुसार करें, या तो आप धर्म कर्म पूजा पाठ से जितना ज़्यादा जुड़ेंगे, जितना पूजा पाठ करेंगे उतना ही ज़्यादा चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति को बल मिलेगा और उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिल सकता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, ये उपाय कर सकते हैं, और अपनी कुंडली में चंद्रमा को एक और भी विशेष रूप से देखिएगा कि चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत हो, क्योंकि चंद्रमा की जब हम मजबूती की बात करते हैं तो अंश बल, षट बल वो तो है ही है, परंतु पक्ष बल विशेषकर चंद्रमा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इन बातों को ध्यान रखें और चेक करें, इसके बाद निर्णय लें, क्योंकि ये गोचर का जो है तो प्रभाव आप मुझसे सुन रहे हैं और जन्म कुंडली का बिना निर्णय, बिना देखे समझे आपको निर्णय कोई भी नहीं लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।